डालना है मुझे अपनी। हेलो नमस्ते नमस्कार और एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी का करती हूँ मेरी चैनल रसोगी में फिर से स्वागत। और मैं हूँ अभी जोधपुर राजस्थान के घंटा घर में। कंफ्यूज है ना, मींस क्लॉक टावर। और क्लॉक टावर में एंट्री फीस है ओनली 20 रुपीज फॉर 1 पर्सन। तो म्यूजिक से थोड़ा बाहर निकल के बाकी नज़ारा भी देख लेते हैं। तो जो क्लॉक टावर है वो फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेस है। उसके सामने ही एकदम मेहरगढ़ फोर्ट, तो डेफिनेटली इसकी बैकग्राउंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आप फोटोग्राफी पे इंटरेस्टेड है डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए। और नॉर्मली मुझे लगा था कि क्लॉक टावर के ऊपर तक जाने के लिए देंगे, लेकिन जब ऊपर आई तब पता चला कि ओनली आपको यहाँ तक ही अलाउ है। बिकॉज ऊपर पर भी और बहुत ही ज़्यादा फ्लोर्स है, लेकिन उस फ्लोर्स पर आपको जाने के लिए अलाउ नहीं है। और नीचे है ये सदर मार्केट, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल गारमेंट, बैग, जूती वगैरह मिल जाएंगे रिजनेबल प्राइस पे। बार्गेनिंग करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन एक बात तो प्लस पॉइंट ये है कि एक हिसाब पे आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं और साथ में क्लॉक टावर की मज़े भी ले सकते हैं, है ना, बढ़िया प्लेस। और क्लॉक टावर से निकल के अभी मैं जा रही हूँ एक अनदर प्लेस। कहाँ जा रही हूँ बताते बताते हूँ, मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। नमस्ते नमस्कार, और मैं हूँ अभी आपका जोधपुर की शास्त्री नगर पे। एक्चुअली जब मैं जैसलमेर पे थी तो मैं 2-3 ट्रेवलर से मिली थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जोधपुर जा रहे हो तो आप शास्त्री नगर पे खाना ट्राई कर सकते हो। तो फिर मैंने आपका 2-3 यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी है जो जोधपुर पे आके रिव्यू दिया है। उन्होंने भी बोला है कि शास्त्री नगर पे जा सकते हो, वहाँ पे आप खाना ट्राई कर सकते हो। तो मुझे लगा जोधपुर पे खुद हूँ तो खुद ही ट्राई कर लूँ कैसा क्या है एंड एवरीथिंग। लेकिन सुबह से कुछ नहीं खाया है तो मैं बहुत भूखी हूँ, अभी बहुत अच्छा खाना खाना पड़ेगा मुझे। और रोल वाले भैया से मैं करने जा रही हूँ स्टार्टिंग, देखते कैसा क्या रोल बनाते हैं। बोला तो है उन्होंने बहुत कुछ, अभी खाने से तो पता चलेगा कैसा है इसका टेस्ट। और रोल खा के तो मजा आ गया, मजा मजा मजा। और ये है आज का सेकेंड स्टॉल, देख के मुंह पे पानी आ रहा है ना, मेरे मुंह में भी आ रहा था। और मुझे वीडियो करते हुए देखते हुए भैया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। दो में खा के आगे बढ़ ही रही थी, मेरी नज़र पे आ गया है 59 रुपीज़। तो 59 रुपीज़ पे पिज्ज़ा वाई नॉट ट्राई करते हैं। बिकॉज स्ट्रीट पे तो मैंने बहुत ही ऐसे सस्ते में पिज्ज़ा ट्राई किया है, लेकिन वो पिज्ज़ा नहीं कुछ अलग होता है। तो मुझे लगा यहाँ पे देखते हैं ये लोग क्या देते हैं। और जो पिज्ज़ा मिला है ऑनेस्टली वॉट इट है, 59 रुपीज़ पे बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा इन्होंने बनाया है। और उसके अलावा भी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फूड ऑप्शन है। तो अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना पसंद है डेफिनेटली शास्त्री नगर आप लोग ट्राई कर सकते हो इन फ्यूचर, अगर आप कभी जोधपुर आने का प्लान करते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन, इटालियन, चाइनीज, स्वीट, डिज़र्ट सब कुछ मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि चलो आगे पैसा वर्ड कर नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली आपके पसंदीदा यहाँ पे मिल जाएंगे। और मुझे लगा इतना कुछ खा लिया है तो कुछ डिज़र्ट बन जाए, तो डेट्स व्हाई मैं आ गई ये वफ़ल वाले भैया के पास एक वफ़ल खाने के लिए। वो भी सस्ते प्राइस में 50-60-40 रुपीज़ में यहाँ पे वफ़ल्स मिल रहे हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिए। तो इसी के साथ ही कहते हैं आप सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।